एक वफादार सैनिक की सजगता के कारण समय रहते ही वहाँ से पांचों भाई भाग गए। शंख ने खुद को राजा घोषित कर दिया और दिन रात एक कर दिया उन पांचों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। कहाँ जा सकते हैं वो? क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया उन लोगों को? हमें भी इसी बात का आश्चर्य है महाराज। गुप्तचरों और सैनिकों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, परंतु उनका पता नहीं चला महाराज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सेनापति पर्वत सिंह, जाओ जाकर ढूंढो उन्हें। महामंत्री दुर्जन सिंह, लगान वसूली की क्या स्थिति है? इस काम के लिए मैंने 10 टोलियों को नियुक्त किया है और राज्य के अलग अलग गाँव में भेज भी दिया है। ये सब क्या हो रहा है? लगान वसूली का आदेश है। ये तरीका है लगान वसूली का? तुम लोग लगान वसूली के नाम पर प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो। राजकुमार विक्रम, हम जो भी कर रहे हैं वो महाराज शंख के आदेश पर कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे महाराज शंख। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कह देना महाराज से, हमने इन सभी का लगान माफ कर दिया है। ये नहीं हो सकता। हमारे काम में दखलंदाजी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें मार भगाने का तो मुझे अधिकार है ना। संभालो। इसी बात का डर था मुझे। ये विक्रम ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम दुर्जन सिंह? वो लोग हैं कहाँ? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिपाही राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। अब वो विक्रम और बाकी के राजकुमार हमसे बच नहीं सकेंगे। राजा शंख के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो राजकुमार विक्रम और बाकी के राजकुमारों को ढूंढ ही नहीं पाए। और मालूम है, वहाँ राजा शंख अपनी प्रजा को लगातार तंग कर रहा था। अक्सर राजकुमार विक्रम प्रजा की मदद करने पहुँच जाते थे। आखिर में हार कर राजा शंख ने विक्रम को ढूंढने के लिए ज्योतिषियों की मदद ली। आप विश्वास करें महाराज, मैं आपको एकदम सही जानकारी ही दूंगा। तो बताओ बताओ, कहाँ है वो? महाराज, यदि हम ये मान लें कि वो पांचों महल से तभी भागे हैं जबकि महाराज ब्रह्मानंद की मृत्यु हुई थी, तो उस समय की गणना से पता चलता है कि उस समय चंद्र की स्थिति कमजोर थी और शनि, राहु और केतु बलवान होकर गुरु को कुपित दृष्टि से देख रहे थे। इसका मतलब है महाराज, इस समय उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा। ओफो, ये सब गणना वरना छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जी 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 महाराज, यही बता रहा हूँ। उन पांचों में से तीन तो जंगली जानवरों का भोजन बन गए, एक संकट में फंसा है। हाँ,
और पांचवा? क्या बताओ? जी महाराज, बताओ बताओ, उसके बारे में मुझे बताओ। क्या उससे मुझे कोई खतरा है? वो क्या कर रहे हो, बोलो। महाराज, जीवन दान मिले तो? हाँ, निडर होकर कहो। हाँ, महाराज, वो पांचवा राजकुमार, वो अपने बल और बुद्धि से इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकता है। बस, वो क्या कर सकता है ये हम नहीं जानना चाहते हैं। वो इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है ये बताओ। जी महाराज, वो ये राहु गया उधर तो उर्दू, और ये शनि और ये मंगल तो। हाँ महाराज, राज्य के उत्तर दिशा में जो घना जंगल है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। हे माँ भद्रकाली, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। इन सात घड़ों को काट कर इनके पानी में गिरने से पहले इस तीर पर गर्दन रख सकूं। हे माँ भद्रकाली, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो माँ भद्रकाली, शक्ति दो। जय माँ भद्रकाली। विक्रम, मैं तुझसे प्रसन्न हुई, तू सदैव विजयी रहे। तू मुझे जब भी याद करेगा मैं तेरी सहायता करूंगी। जय मां भद्रकाली। दुर्जन सिंह, सेना को आदेश दो कि हमें जंगल की ओर प्रस्थान करना है। क्षमा करें महाराज, इस तरह आवेश में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज कि यदि हम सेना लेकर जाएंगे तो विक्रम सावधान हो जाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि वो अकेला भी हमारी सेना पर भारी पड़ सकता है। तो फिर तुम्हारी क्या सलाह है? मेरी राय में महाराज, विक्रम को मारने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। कैसे? सुनिए, चलो चलो चलो।